राजस्थान पुलिस आसाराम को लेकर जोधपुर पहुंची। जोधपुर में आसाराम के आश्रम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने ये सुरक्षा आसाराम के समर्थकों के आक्रोश को देखते हुए की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आसाराम मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और आरोप साबित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने आसाराम मामले में कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोप साबित होने पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित लड़की के पिता ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अपना अनशन समाप्त कर लिया है। पीड़ित लड़की का पिता कुछ दिनों से आसाराम की गिरफ्तारी को लेकर अनशन कर रहा था। बेंगलोर के नेशनल स्कूल ऑफ लॉ के 21वें दीक्षांत समारोह में कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने छात्रों को डिग्रियां वितरित की। उन्होंने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि समाज में आ रहे सामाजिक आर्थिक बदलाव की झलक हमारी संसद और कानूनों में नजर आनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया में रासायनिक हथियारों के कथित तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर बशर अल असद सरकार के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के अपने फैसले की आज घोषणा की। ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनदेखी कर अपने फैसले को उचित ठहराया। दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश से शंगलू गांव में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले स्थानों में भारी जलभराव से सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के पानी से गांव के लोगों के घर भी डूब गए हैं। जगमोहन डालमिया बोर्ड की आम सालाना बैठक तक बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे। बीसीसीआई की आम सालाना बैठक 29 सितंबर को चेन्नई में होगी। यूएस ओपन के छठे दिन राफेल नडाल, रोजर फेडरर और डेविड फेडरर अपने अपने मुकाबले जीतने के साथ अगले दौर में जगह बनाने में सफल रहे। वहीं महिला वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त विक्टोरिया अजारेंका और एना इवानोविच भी चौथे दौर में जगह बनाने में कामयाब रहीं।